सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अज़ीज़ाने गिरामी, उस इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी की जिस घर में विलादत बासआदत हुई वो आम घराना नहीं था, इल्मी घराना था, बुजुर्गों का घराना था, तकवा और परहेजगारी के शियार रखने वालों का घराना था। आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला 10 शव्वालुल मुकर्रम बरेली शरीफ में सनीचर के दिन जब आपकी विलादत हुई, जोहर का वक्त था, ये आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह के घर पैदा होते हैं। मौलाना नकी अली खान आला हज़रत के वालिद माजिद ज़बरदस्त आलिम दीन फ़कीह कामिल वली कामिल थे। आपके दादा मौलाना रज़ा अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह क़ुतबुल वक्त थे। आपका सिलसिला नसब आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अफ़ग़ानिस्तान के बड़हेज कबीले के पठानों से मिलता है। बाद मुहक्किकीन ने कहा है कि सहाबी रसूल तक आपका नसब पहुंचता है। वल्लाहु आलम। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक्त अपनी आँखें खोले हैं, बाप को मौलाना नकी अली ख़ान की शक्ल में एक अजीम विलायत का सरताज देखे हैं और परवरिश भी इस अंदाज में हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके घर इल्मी होते हैं, तकवा वाले होते हैं, वहाँ की हवाओं में भी इल्म होता है, वो चलते फिरते भी परहेजगार बनते हैं। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इल्मी घराने की मिसाल इसी बात से समझ में आती है कि आपका नाम आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम मोहम्मद रखा गया और दादा ने अहमद रज़ा रखा, उसी नाम से आप मशहूर ज़माना भी हैं। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर का नहीं बल्कि सूफिया कराम बुज़ुर्गों का ये वतीरा रहा है कि बच्चा जब 4 साल 4 महीने 4 दिन का होता है तो बिस्मिल्लाह खानी कराई जाती। इस रिवाज को हमारे लोग भूल चुके हैं। चिल्ले छट्टियाँ तो याद रहीं और दूसरे मामला तो याद रहे जो औरतों के शुरू किए हुए हैं, लेकिन इस्लामी मशायख और बुज़ुर्गान दीन ने जो तरीक़े हमारे लिए मुस्तहब फरमाए थे उनको आज ज़िंदा करने की ज़रूरत है। अपने बच्चों की बिस्मिल्लाह खानी करवाएं, यानी किसी भी बामल आलिम दीन से बच्चे को इस दिन बिस्मिल्लाह पढ़ाया जाता है जब बच्चा 4 साल 4 महीने 4 दिन का होता है और उसको अलिब्बा पढ़ाया जाता है, कुरान की चंद आयतें पढ़ाई जाती हैं। ये रस्म बिस्मिल्लाह खानी आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर की वो वहाँ की रस्म रही है, वहाँ का रस्म दस्तूर भी है। आला हज़रत को उस्ताद आए पढ़ाने के लिए उसी रस्म बिस्मिल्लाह खानी में, जब उनके दादा भी हैं वालिद भी हैं, लेकिन रस्म के मुताबिक उस्ताद आए पढ़ाए अलिफ बा ता सा जीम हा, ये जो अलिफ बा पढ़ाया जाता है, आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी मजलिस में एक सवाल करते हैं अपने उस्ताद से, अलिफ से लेकर कायदा आप भी पढ़ते होंगे ना, अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल रा झा सीन शीन स्वाद बात तो आयन गैन फा काफ काफ लाम मीम नून वाव हा, उसके बाद आता है लाम अलिफ या, ये लाम अलिफ भी आता है ना, बहुत सारे कायदों में लिखा रहता है। उस्ताद ने पढ़ाया तो आला हज़रत ने फरमाया ये सिंगल सिंगल हरूफ पूरे तो मैंने पढ़ लिया, अलिफ भी पढ़ लिया लाम भी पढ़ लिया, ये लाम अलिफ फिर क्यों आया? किस उम्र में पूछ रहे हैं? 4 साल की उम्र में। उस्ताद दंग रह गए हैं। आला हज़रत के जद्द अमजद मौलाना रज़ा अली खान रहमतुल्लाह अलैह बड़े पाए के आलिम हैं। आपके वालिद गिरामी मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह ज़बरदस्त फ़कीह थे, बैठे हुए थे, वो मुस्कुराते रहे। बच्चे की तबहुर उलमी को देखें। उस्ताद ने कहा बेटा बात ऐसी है कि सिंगल सिंगल हरूफ पढ़ा दिए गए बच्चे को, ये बताने के लिए कि हरूफ जोड़ते कैसे हैं, इसलिए कायदे में एक लफ्ज़ लिख दिया जाता है लाम अलिफ, यानी ला लाम अलिफ मिला करके कैसे पढ़ाते हैं इसलिए लिख दिया जाता है, बाकी सब तो सिंगल हरूफ होते हैं अली बा ता सा जीम हा। लेकिन कहाँ ज़माने का जो मुजद्दिद होने वाला है इतनी बात से खामोश कहाँ रहे? कहा अगर मिला करके ही पढ़ाना था तो बे को अलिफ से मिला कर पढ़ा देते,
ते को अलीफ से मिलाकर पढ़ा देते, जीम को अलीफ से मिला के, ये लाम के साथ ही क्यों अलीफ को मिला है? अब जो उस्ताद आए थे वो तो खामोश हो गए, वो खामोश हो गए। इतने छोटे बच्चे ऐसा सवाल तो नहीं करते। मौलाना रजा अली खान रहमतुल्लाह ताला ले जो जद्दे अमजद थे, दादा थे, उन्होंने सीने से सर को लगाया, कहा बेटा उस्ताद जितना पढ़ाए उतना पढ़ लो। कहा कि अब दादा ये बात मुझे बता दें, दिल तशफी में आ जाए। मौलाना रजा अली खान रहमतुल्लाह अलैह बर वक्त फरमाते हैं, बात यह है लाम को अलिफ से क्यों मिलाया, दूसरे हरूफ से क्यों नहीं मिलाया? इसलिए कि ये दोनों हरूफ में मुशाबहत बहुत ज्यादा है, ये दोनों मिलते जुलते हैं। किस बात में? सूरत के एतबार से भी, सीरत के एतबार से भी। कहा वो कैसे? कहा लिखने में अलिफ भी लंबा होता है और लाम भी लंबा होता है, ये सूरत में दोनों लंबे हैं। और दूसरी बात, लाम को अगर आप लिखेंगे हिज्जे करके, अगर आप पढ़ेंगे लाम अलिफ मीम लिखना पड़ेगा, लाम यानी लाम को अगर वर्ड्स में लिखा जाए, हरूफ में लिखा जाए, तो कैसे लिखेंगे? लाम अलिफ मीम। और जब अलिफ को लिखेंगे तो वहां पर भी तीन हर्फ लिखने पड़ेंगे वर्ड्स में, इन वर्ड्स लिखें अलिफ लाम फा, अलिफ हो गया अलिफ लाम फा अलिफ। और लाम जब लिखेंगे तो लाम अलिफ मीम। जद्द अमजद ने कहा दोनों में सूरतन मुशाबहत तो लंबाई की है, सीरत में मुशाबे ऐसे है कि लाम के बीच में अलिफ आता है और अलिफ के बीच में लाम आता है, इसलिए ये दोनों का गहरा ताल्लुक है, इसलिए मिलाकर लिखा गया। आला हजरत खामोश हुए। अब अंदाजा करें 4 साल की उम्र में जिनका इल्म का मामला ऐसा हो, तो जाहिर सी बात है वो घराना इल्मी होगा, तभी तो बच्चे ऐसे होंगे। यही बात है कि 6 साल की उम्र में आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सिर्फ 6 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में 12वीं शरीफ आई, मीलाद मुबारका, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत पर घर में जब महफिल मुनाकिद हुई, आपके वालिद गिरामी के शागिर्द और मुरीदीन जमा हुए, तो 6 साल की उम्र में आला हजरत ने 2.5 घंटे अजमत रिसालत पर बयान फरमाया। यहाँ अच्छे अच्छे मुकर्ररीन के पसीने छूट जाते हैं अगर पॉइंट टू पॉइंट बात की जाए, वरना लफाजी करना इधर उधर की हांकने में तो 6 घंटे भी चले जाएंगे। इल्म की बात पॉइंट टू पॉइंट करना ये दिक्कत का मामला है। 6 साल की उम्र में जो अपने नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात पर, आपकी सीरत पर 2.5 घंटे खिताब कर रहे हैं, वही आला हज़रत फाज़िले बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अब किताबों की तालीम शुरू करते हैं, आलिम कोर्स, वही 6 साल की उम्र में अपने वालिद गिरामी से पढ़ा, मिर्ज़ा अब्दुल कादिर बेग साहब और कुछ उलमा थे जिनका तस्करा आया है आला हज़रत के असातिज़ा में, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें आप अपने वालिद गिरामी से पढ़ते हैं। अब अपने वालिद गिरामी से पढ़ने का ज़माना है, सिर्फ 8 साल की उम्र है आपकी, 8 साल की उम्र में इल्मे नह की मशहूर किताब हिदायतुन नह है, वो पूरी अपने वालिद से पढ़ी और उसकी शरह भी लिख दी उर्दू में, अरबी में उसकी गाइड लिखा 8 साल की उम्र में। और जब 13 साल 10 महीने गालिबन 13 साल 10 महीने के हो गए, आप आलिम भी हो गए और मुफ्ती भी हो गए, और उसी दिन सबसे पहला फतवा आपने दिया रजात के मसले पर। सवाल आया था, आपके वालिद गिरामी ने मसनद पर बिठाया और कहा बेटा अहमद रजा लिखो इसका जवाब। आपकी उम्र 14 साल के करीब थी, 13 साल 10 महीने के आसपास, उस वक्त आपने सबसे पहला फतवा लिखा। मियां फतवा पूछने वालों की उम्र यहाँ 60 साल की हो जाती है, लिखने वालों की बात तो छोड़े, वो 13 साल 10 महीने की उम्र में पहला फतवा सादिर फरमाते हैं। उसमें दलाइल भी हैं, कुरानी आयात, अहादीस रसूल। वालिद गिरामी ने देख करके माथे का बोसा लिया और कहा आज से तुम मसनदे इफ्ता पर बिठाए जाते हो,
13 साल 10 महीने की उम्र से लेकर जब तक आपकी वफात ना हुई उस वक्त तक आपने फतवा नवीसी फरमाई। तकरीबन 6000 से ज़्यादा फतवे आपने अरसाल फरमाए। आज वही फतावा रजविया की शक्ल में हमारे पास एक फिकी इंसाइक्लोपीडिया मौजूद है जिसकी 30 जिल्दें हैं, 21000 सफहात के करीब ये किताब है, 250 रिसाले उसके अंदर मौजूद हैं, 250 रिसाले, अलग अलग किताबें। जो जिस तरह का सवाल आया, अरबी में आया तो अरबी में जवाब, फारसी में आया फारसी में जवाब, इंग्लिश में आया इंग्लिश में जवाब, जिस इल्म का सवाल आया उस इल्म का जवाब आपने इरसाल फरमाया। ये तकरीबन फतावा रजविया आज जो छपी हुई है 30 जिल्दों में है, 30 बड़े बड़े वॉल्यूम्स हैं। इसीलिए बहुत मशहूर खानदान मारहरा मुतहरा के आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीर खाने के साहब सज्जादा के बिरादर असगर फरमाते हैं, आला हज़रत की शान में मीनार कसर रज़ा तो बुलंद काफ़ी है। ये सैयद अशरफ मारहरवी साहब क़िबला अदामल्लाहु इक़बाल वो अभी बायात हैं, उन्होंने यही फरमाया और हक फरमाया कि मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, तुम उसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो। अरे मियां, फतावा रजविया तो एक करामत है, फतावा रजविया तो एक करामत है, जरा हदायके बख्शीश ही पढ़ के दिखला दो। आला हजरत की लिखी हुई नातों की जो किताब है हदायके बख्शीश, इसी में बहुत सारे लोग भटक जाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। फतावा रजविया तो उलूम का एक समंदर है। अजीजान गिरामी वखार, आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तबहुर इल्मी को अगर बताता चलूं तो जाहिर सी बात है मुझे 55 उलूम पर बात करनी पड़ेगी। मुझ जैसा नाकिस इल्म और कम फहम आदमी इन तमाम उलूम पर गुफ्तगू कहाँ से कर सकेगा। हमारे इल्म की बिसात ही कितनी है उन उलूम पर बात करने की। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तमाम उलूम पर जो लिखी गई किताबें अगर बयान करने शुरू करें तो जाहिर सी बात है उतना इल्म होना चाहिए या कम से कम उतना मुताला हो, लेकिन हमारा सरसरी मुताला है जैसे होता है ऊपर ऊपर के दाने खाए हुए हैं, बस इतना ही देखें आला हज़रत को गहराई तक जाकर कौन पढ़ा है। हाँ एक बात मैं दिल से कहूंगा कि सुने हुई मोहब्बत करने वाले अलग होते हैं, आला हजरत को पढ़ करके चाहने वालों की बात अलग होती है। पढ़ करके जो मोहब्बत करते हैं वह हकीकत में मोहब्बत करते हैं और उनका लोहा मानते हैं, और सुनी सुनाई हुई बातों में कभी इधर आते हैं कभी उधर जाते हैं, मामलात ऐसे होते रहते हैं। अजीजा निगरामी, फतावा रजविया शरीफ में 250 रसाइल जमा हुए, उनके उलूम का किनारा कहाँ तक था अल्लाह ही बेहतर जाने। इल्मे हदीस में कलम उठाया तो कई किताबें लिखी, उसूल हदीस में कलम उठाया उस पर किताबें लिखी। फिका एक इल्म का नाम है, इसमें तो पूरी किताबें मौजूद हैं, उसूल फिका पर किताबें हैं आपकी, और इनके अलावा तफसीर में, उसूल तफसीर में, बलागत में, मानी में, अर्ज में, और उसके अलावा जो मैथ्स के रिलेटेड उलूम होते हैं उनमें कई किताबें आपकी हैं। इल्म रमल में, इल्म जफर में है, जीजात में है, अरस्मातीकी में है, ये तमाम वो उलूम हैं जिनको आज शायद व बायद कोई जानता हो। इल्म हय्यत है, इल्म तौकीत है, इल्म मुकाबला है, इल्म मुनाजरा है, इल्म रद्द है, इन तमाम उलूम पर आला हज़रत की किताबें मौजूद हैं, उनके रिसाले मौजूद हैं। ये एक बात होती है कह देना कि इनको इतने उलूम आते थे, और एक बात है उनकी इस इल्म पर किताबें पेश करना। हम मुबालगा आराई से काम नहीं लेते, जिस इल्म की मैं बात कर रहा हूँ आला हज़रत इस इल्म को जानते थे, उस इल्म की ज़रूर उनकी किताब भी मैं तुम्हारे सामने पेश कर सकता हूँ। कई उलूम पर अल्लाह ताला ने आपको महारत तामा अता फरमाई थी। ये एक बात आप समझ करके चलें, ये उनके पास वक्त कितना रहा होगा ये सब लिखने का, इन तमाम उलूम को हासिल करने का। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दुनियावी जो उलूम है उन पर जो गिरफ्त है इतनी ज़बरदस्त, अपने ज़माने के बड़े बड़े साइंटिस्ट को भी आपने दावत मुकाबला दिया है। प्रोफेसर अल्बर्ट नाम से, उसने 1920 में या 1920 के करीब
एक पेपर में लखनऊ से ये बात शाया कर दी कि सितंबर, अभी ये भी सितंबर का ही महीना है, 17 सितंबर अगर कुछ तारीख उसने 2 महीने पहले ऐलान किया कि सूरज के मुकाबल में अतारुद, जहरा, जमीन, मरीख, मुश्तरी, जुहल, ये जो कवाकिब हैं यानी इनको स्टार्स ऑफ गैलेक्सी जो कहा जाता है, ये मुकाबल में आ रहे हैं जिसकी वजह से सूरज की रोशनी को ये खींच लेंगे और सूरज में एक दाग पड़ जाएगा। प्रोफेसर अल्बर्ट एक साइंटिस्ट है और उसने ये अपना चैलेंज 3 माह पहले पेपर में शाया कर दिया कि ये पूरे जो स्टार्स ऑफ गैलेक्सी हैं ये अपोजिट आ रहे हैं सूरज के और सूरज में ये दाग पैदा करेंगे और इसकी वजह से पूरे मौसम खराब हो जाएंगे और इन तमाम हालात को खत्म होने में कई हफ्ते लग सकते हैं। इस वक्त जहरीली हवाएं भी आ सकती हैं, हो सकता है कि तमाम लोग मर जाएं, लोगों में अफरा तफरी, हालात ऐसी हैं जो बोल दिया सब अंधाधुंध मान लेते हैं। ऐसा ही कोई अल्बर्ट इस जमाने में कोरोना भी बोला होगा। आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस जमाने में जब आपके पास लोग आकर के कहने लगे कि हुजूर ऐसी ऐसी बात है, वो साइंसदान है और कह रहा है कि ये नजूम, ये सितारे सूरज के अपोजिट में आ रहे हैं, मुकाबिल में आ रहे हैं, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी वो खींच लेंगे और सूरज में दाग हो जाएगा, जहरीली हवाएं आएंगी, फलम 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 बातें। आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला इन उलूम में दस्तरस रखते थे, महारत रखते थे, पूरी किताब लिख डाली, पूरी किताब लिखी। मैं आज ही वो किताब पढ़ रहा था, मेरा सर चकराने लगा, मैंने किताब बंद कर दी, इसलिए कि ये इल्मे नुजूम की बात है। आला हजरत उसमें शक्लें बना बना करके लिख रहे हैं, अतारुद इतने सेंटीग्रेड का होता है, इतने दकीके का होता है, इतने मिनट का होता है, जुहल की ये शक्ल होती है, फलां जगह होता है, इतने ज़माने में यहाँ से यहाँ आता है, यूरेनस नेपचून ये इसकी मियाद मुद्दत इतनी होती है, फलां वक्त यहाँ होता है, सेप्टंबर में ये कहाँ रहता है, इन तमाम हालात को लिख कर कहते हैं जिस अल्बर्ट ने यह दावा किया वो झूठा है, वो पागल है और जाहिल है। इसलिए कि ये तमाम चीजें मैंने जो लिखी ये एक साथ जमा होंगी ही नहीं। और अहमद रजा का ये दावा है कि 17 सितंबर क्या, 17-18 सितंबर क्या, इस तरह के हालात इंशाल्लाह कभी ना आएंगे। और दुनिया ने देखा, सितंबर आए गए, ना सूरज काला हुआ, ना जहरीली हवाएं आई। साइंसदान दावे करते रहते हैं, जाहिर सी बात है इल्मे दीन सिर्फ ये न समझो कि कुरान हदीस सिर्फ मदरसा मस्जिद का नाम है, कुरान हदीस उलूम का समंदर है जो हकीकत में इसका वारिस होता है, अल्लाह दुनियावी उलूम का भी उसे बादशाह बनाता है। आला हजरत की जात में हमने वो देखा है, साइंसदानों के भी मुंह बंद कर दिए, डार्विन के नजरिए को गलत साबित किया। डार्विन का नजरिया था इंसान बंदर से पैदा हुआ है, आपने पढ़ा होगा स्कूलों में वगैरह, बाद में ये नजरिया खत्म किया, आला हजरत ने उसका रद्द फरमाया, मियां जो जिसकी नस्ल से हो वो अपनी नस्ल को बताए, मगर हम आदमी हैं, आदम से पैदा हैं, आदम से पैदा है। जाहिर सी बात है साइंस की उन तमाम थ्योरीज को रद्द करना उसी के बस का कमाल है जो साइंस से वाकफियत रखता है। आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने डार्विन के नजरिए को गलत साबित किया और फिर ज़मीन और सूरज के मामलात जो हैं आज भी साइंस यही कहती है, यह अब तक इख्तिलाफ़ चल रहा है, कई लोग मुझसे सवाल भी कर चुके, आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इस पर इख्तिलाफ़ है और मुझे उम्मीद है कि यह नज़रिया भी गलत साबित होगा जो आज साइंस कहती है कि ज़मीन घूमती है। यही साइंस में पढ़े ना, मैं भी पढ़ा हूँ स्कूल में, आप भी पढ़े होंगे, ज़मीन घूमती है और ज़मीन घूमते घूमते 24 घंटे का एक मदार होता है इसका, और सूरज के अतराफ घूमती है तो 365 दिन होते हैं, ऐसा ही है ना साइंस में, ऐसा ही है। आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस नजरियो का रद्द किया और फरमाया जमीन साकिन है, सूरज घूम रहा है, और वह आपने कुरान अजीम से साबित किया, अल्लाह ताला फरमाता है वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़रिल्लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, सूरज अपने मुस्तकर पर चल रहा है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बनाई हुई ये मकदार है, वो गालिब हिकमत वाले अल्लाह की बनाए हुए रास्ते हैं। वल कमरु कद्दरनाहु मनाज़िल, अल्लाह फरमाता है हमने चांद की मंजिलें रखी हैं, और सूरज का डूबना मशरिक से निकलना मगरिब में डूबना कुरान से साबित है,
नमरूद के सामने इब्राहिम अलैहि सलाम का जो मुनाजरा था, मुजादला था, वो इसी बात का था कि नमरूद कहता था मैं भी खुदा हूँ, मैं लोगों को जिंदा करता हूँ, मौत भी देता हूँ। इब्राहिम अलैहि सलाम ने कहा कि अगर तू खुदा है तो सूरज को मशरिक से नहीं मगरिब से निकाल के दिखा। रोज़ाना सूरज मशरिक से निकलता है, तू एक दिन मगरिब से निकाल के दिखा, वो मबूत हो गया। कुरान में ये वाकया मौजूद। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन उसूल को लेकर, और इतना ही नहीं मेरे अज़ीज़ों, सिर्फ दो आयतों से नहीं बल्कि उसमें अकली और नकली इतने दलाइल हैं कि इस इल्म से शगफ रखने वाला वो जाए आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की किताब अल-फौज़ुल मुबीन दर रद्द हरकत ज़मीन का मुताला करे, उसे समझ में आएगा। कुछ लोग भोंकते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, अरे मौलाना थे वो, मौलाना को मौलाना में यानी मदरसे में रहना चाहिए, ये साइंसदानों की बात है। मेरे अजीज याद रख, दुनिया का जितना साइंस है ये गुंबद खजरा की छाँव में पलने वाले गुलामों की आस्तीनों में होता है, हमारा अकीदा है। तुम आज के साइंसदान हो, अगर मैं इस पर गुफ्तगू करूँ तो एक तवील बहस होगी, तवील बहस होगी। मैं ये साबित करके बताऊंगा दुनिया को मेडिकल साइंस किसने दिया, जाओ तारीख उठा करके दिखाओ। और अलजिब्रा आज जो पढ़ाते हो किसका है ये ईजाद किया हुआ, जाबिर बिन हय्यान का अलजिब्रा है। केमिस्ट्री किसने लाई थी, सबसे पहले इसके मौजूद कौन है, जाओ ढूंढ करके ले आओ। इमाम राजी की किताबें आज भी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती हैं। बच्चों के अमराज के मुतालिक सबसे पहले लिखी जाने वाली किताब एक आलिम दीन की थी, इमाम राजी की थी। बू अली सीना के लिखे हुए इल्म तिब की किताबें आज भी मौजूद हैं। ये वो गुलामान रसूल हैं जो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीन से वाबस्ता थे, और दुनिया में उन्होंने साइंस का, मेडिकल का, हिसाब का लोहा मनवा करके रखा है। या और बात है कि हम कसम पुरसी के आलम में हैं, आज के जमाने में मौलवी हजरात सब छोड़कर मुसल्ले पर आ गए हैं, इसकी वजह से तुम्हें शक हो रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद रखो, उम्मीद रखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर से कोई ऐसा मुजद्दिद पैदा करेगा जो तुम्हें बताएगा कि इल्मे दीन हो या जिसको तुम इल्मे दुनिया कहते हो, ये दर हकीकत मोहब्बत रसूल और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों को सदके में दिया जाता है।